निसंकीय निकंकीय निवित्ति गिच्छा अमोड़ दिठीय ओवूह थिरी करणे वच्छल पभावणे अथ। संदेह रहित होना, निष्काम होना, जुगुप्सा घृणा द्वेष से रहित होना और अमूढ़ दृष्टिवान होना, इन चार अंगों के विषय में हमने श्रवण किया, हमने थोड़ा जितना हो सका है समझने की कोशिश की है। अमूढ़ दृष्टि किसी भी प्रकार की मूढ़ता नहीं चलेगी, धार्मिक होने का दंभ और साथ में मूढ़ता पर मूढ़ता का भी संग, ऐसा नहीं चलेगा। मूढ़ता लोक परंपराओं का, मूढ़ता सामाजिक मान्यताओं की, मूढ़ता प्रचलित धारणाओं और विचारों की, मूढ़ता सिद्धांतों की और आग्रहों की, मूढ़ता पक्ष और विपक्ष की, मूढ़ता अपने और पराए की, मूढ़ता तेरे और मेरे की, मूढ़ता भेद दृष्टि की, जो किसी भी प्रकार का भेद करे, जीव मात्र में भेद करे, इन समस्त प्रकार की मूढ़ताओं का अंत आए तब जाकर सम्यक्त्व का आरंभ हो। जो लोग भेदभाव करते हैं मनुष्य मनुष्य में, चाहे वो संप्रदायों के आधार पर हो, चाहे जातियों कुलों और गोत्रों के आधार पर हो, मान्यताओं और सिद्धांतों और भगवानों और गुरुओं के नाम पर हो, ये सब मूढ़ताओं के खेल हैं। ये मूढ़ लोग हैं जो सम्यक्त में नहीं है। समकिति आत्मा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता, क्योंकि वो समष्टि में समस्त जीवों में उसी चैतन्य का ही प्रकाश देखता है जिसे वो स्वयं में देखता है। उसी चैतन्य के सागर को वो सर्वत्र लहराता हुआ पाता है जिसे वो स्वयं में पाता है। दृष्टि इतनी विशाल और इतनी निष्कंप और निश्चल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, निष्कपट हो जाती है, निर्मल हो जाती है, कि सब जगह अपना ही चैतन्य विस्तार में वो पाता है। मैं ही हूं सब जगह विद्यमान, मेरा स्वरूप हर जगह उपस्थित है। इस संग्रह नय की दृष्टि को लेकर चलता हुआ समकित वान आत्मा अमूढ़ दृष्टिवान हो जाता है। तो कल कहा था आपको कि देव मूढ़ता नहीं होती, देवताओं के फेर में नहीं पड़ता, देवताओं की उपासना के चक्कर में इस अमूल्य मानव जन्म को समाप्त नहीं करता, तुच्छ वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी के सामने भिखारी बनना, फिर चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, ये मूढ़ता है। और इस मूढ़ता का त्याग हो जाता है जब कोई समकित की तरफ आता है। गुरु मूढ़ता, हमारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु वैसे। और मैं जैनियों में ये मूढ़ता, भगवान ने कहा था कि पहली, इससे दो गाथाएं पहले हम बिल्कुल इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि गुरु कौन है। जो पंच महाव्रत के पालक हैं, पंच समिति के आराधक हैं, त्रिगुप्ति का जिन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया है, ऐसे ये जो महाव्रतों के अंगीकरण करने वाले, ऐसे
आत्मज्ञानी महापुरुष, ऐसे ये सतपुरुष, ये हमारे गुरु हैं। अब ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक एक व्यक्ति हो सकता है, परंतु आपके लिए वो कोई व्यक्ति नहीं है, आपके लिए केवल गुरु तत्व है, केवल ज्ञान ही गुरु है। परंतु हम व्यक्तियों को गुरु बनाते हैं, व्यक्ति भी गुरु बनना चाहता है, इसलिए हमारे यहां पे संप्रदायों की बाड़ाबंदी चलती है। हमारे गुरु ऐसे, हमारे गुरु वैसे। भैया गुरु कैसे भी हो, तुम कैसे हो अपनी बताओ। गुरुओं के नाम पर, साधु संतों के नाम पर, और पता नहीं कितने बाबाओं के नाम पर कोहराम मचाया हुआ है लोगों ने, और बड़ी चमत्कार की कहानियां भी तो चलती हैं फिर समाज में। हमारे गुरु ऐसे चमत्कारी और वैसे चमत्कारी। पंजाब में श्री रूपचंद जी महाराज साहब, इधर क्या नाम है आपके, महाराष्ट्र और उधर साउथ तक गणेशी लाल जी महाराज साहब, कुछ और भी नाम है बहुत सारे। स्वयं हमारे गुरुदेव श्री जी के नाम उधर एक नाम लगा हुआ रहता, पदवी चमत्कारी बाबा तक तेरे की। यही रह गया हमारे लिए। चमत्कार भी क्या होते हैं पता है जैनियों में, मतलब सब जगह होता है, सिर्फ जैनियों, क्योंकि आपको प्रवचन सुना रहे हैं तो इसलिए आप लोगों का नाम आ जाता है। पर यह है कि दुनिया में चमत्कार होते क्या है, इन चमत्कारों को देखो आप, क्या चमत्कार होते हैं। किसी के संतान नहीं हो रही थी, गुरु जी ने कहा देख इस ढंग से करेगा तो तेरी औलाद हो जाएगी, और किया उसने, उपाय किया और औलाद हो गई। भैया चमत्कार हो गया, हो गए तुम तो लट्टू, क्योंकि इतने साल लगे पड़े थे भोग भोगने में, एक बच्चा तक पैदा न कर पाए। गुरु जी ने उपाय बताया, साध्वी जी ने बस उपाय क्या बताया, और तुरंत भैया औलाद 9वें महीने में तैयार। ये चमत्कार होते हैं तुम्हारे लिए। शादी नहीं हो रही थी बच्चे की, गुरु जी ने कहा कि हो जाएगी, चिंता मत करो, और दूसरे दिन इतना बढ़िया रिश्ता आया, हम तो खोज खोज कर परेशान थे और रिश्ता आ गया घर बैठे बिठाए, ये तो चमत्कार है, हमने तो सोचा तक ना था, बस गुरुजी ने कहा और हो गया, ये चमत्कार है। नौकरी नहीं लग रही थी और लग गई, कलेश हो रहा था घर में, गुरुजी ने मंत्र बताया और सब ठीक हो गया। सासू ना बड़ी झगड़ालू थी, गुरुजी ने बस एक मंत्र दिया, मैंने जाप किया, अब तो सासू जी बस मेरे इशारे पर घूमती हैं। ओ मेरी जो बहू थी ना, इतनी उद्दंड और पूछो मत, जरा सा भी उसको कुछ कह दो बस गुस्सा नाक पे धरा रहता था। बस गई मैं महाराज जी के पास, महाराज जी ने कहा ऐसा कर लो हो जाएगा काम, मैंने किया और अब तो बहू बस पूछो मत, गाय बन गई है मेरी बहू तो। ये चमत्कार है तुम लोगों के लिए, और इन चमत्कारों के पीछे मरे जाते हो तुम लोग। यहां ये हो जाएगा, व्यापार चल जाएगा थोड़ा सा, बस गुरु महाराज से हमें कोई तंत्र मिल जाए, यंत्र मिल जाए, मंत्र मिल जाए, बस थोड़ी सी दुकान चल जाए, और चल जाए तुक्के से, तुक्का ही होता है, तुक्के से चल जाए तो भैया हाँ हो गया चमत्कार, और चमत्कार हो गया तो बस फिर यही हमारे गुरु, यही हमारे बस तारणहार, यही तुम्हारे जीवन का खेल है, ये गुरु मूढ़ता है और कुछ भी नहीं। कितने भी बड़े बड़े साधु संतों के नाम पर तुमने जो दुकानदारी कर रखी ना चमत्कारों की, फिर यात्राएं करवाओ, बड़े बड़े अपने संघ निकालो, ये सब खेल जो है ना, ये गुरु मूढ़ता है। कितने ही यात्राएं निकाल लो, कौन सा उद्धार होने वाला तुम्हारा, कितने ही तीर्थ यात्राएं कर लो, कितने ही बार सर धोक लो जाकर पत्थर पर पटक पटक के अपना माथा घिस लो, कुछ होगा क्या इससे, कुछ नहीं होगा। फिर किससे होगा, उन महापुरुषों का जीवन देखो ना कि उन्होंने क्या करके अपना उद्धार किया। तुम वो नहीं करना चाहते, बस तुम आशीर्वाद चाहते हो, तुम कृपा चाहते हो, और याद रखना कृपा का आकांक्षी व्यक्ति धर्म का आराधक नहीं हो सकता, क्योंकि ये आदमी जो है ना ये शॉर्टकट जाना चाहता है, ये कुछ करना नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि ऊपर से कोई हाथ आ जाए और बस इसका काम बन जाए। इतने सस्ते में जो धर्म को पाना चाहता है ना, इस व्यक्ति का अब उद्धार ही नहीं हो सकता। एक गुरु क्या, पूरे अनंत अनंत गुरु भी इसके सामने प्रकट हो जाएं, एक तीर्थंकर नहीं, सारे तीर्थंकर जितने मुक्त हो चुके हैं और जितने भविष्य में होंगे, सारे भी इकट्ठे होकर आ जाएं तो भी इसका उद्धार नहीं कर सकते। कारण है कि ये व्यक्ति गुरु मूढ़ता छोड़ना ही नहीं चाहता। गुरु का मतलब होता है जहां से तुम्हें ज्ञान की लगन लग जाए, आत्मा की लगन लग जाए, भीतर की तरफ तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए, तुम्हारी नजर जो बस बाहर 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 दौड़ रही है वो नजर अपनी तरफ आ जाए, ऐसा सहयोग जिस व्यक्ति से मिल जाए वही हमारा गुरु है।
वही हमारा गुरु है। पर आप गुरु किसको मानते हो अपना, कि भैया बस छोटा सा मंत्र बताया था और हमारा काम बन गया, तो बस अब ये जो कहेंगे वो हम करेंगे। इतने सालों से हमारा ये काम रुका हुआ था, इनकी कृपा से चल पड़ा है, अब इनका आदेश ही है हमारा जीवन है। ये गुरु मोड़ता है, साफ साफ गुरु मोड़ता है, क्योंकि तुमने गुरु तत्व जो है ये मुक्ति का तत्व है। परमात्मा स्वयं गुरु रूप है। यदि तुम परमात्मा जो स्वयं तुम्हारे समक्ष है और उसे तुमने कितना छोटा सा काम दिया है, क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाए, क्योंकि दुकान नहीं चल रही तो दुकान चल जाए, क्योंकि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चे का तो मंत्र बता दो बस पढ़ाई में मन लग जाए, बच्चा पास नहीं हो रहा तो पास हो जाए, नौकरी नहीं लग रही नौकरी हो जाए, छोकरी नहीं मिल रही छोकरी मिल जाए। तो ये चमत्कार तुम गुरुओं से करवाते हो अपने, और फिर भी कहते हो हम गुरु भगत हैं। नहीं नहीं, कहीं से भी नहीं, ये सब गुरु मूढ़ताएं हैं जो तुमने बड़े बड़े गुरुओं के नाम पर मूढ़ताओं की दुकानें खोल दी हैं, और बड़ी शान से कहते हो कि हम तो जी ऐसा करते हैं, हम तो वहां जाते हैं, हम तो ये करते हैं, कुछ नहीं करते, केवल अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ ऐसी गंवा रहे हो। और यदि कोई तुम्हें कुछ समझा दे, कोई तुम्हें कुछ कह दे कि भैया ये गुरु मूढ़ताएं हैं केवल और कुछ नहीं इनमें, तो फिर तुम्हें कांटे लग जाते हैं, हमारे गुरु के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, अभी दो नाम लिए हैं मैंने, तीन नाम, तो कईयों को तो लग भी गए होंगे कि कैसे कह दिया इसे। पर जब तुम आगम पढ़ोगे ना, परमात्मा महावीर की वाणी पढ़ोगे, तो वहां वो अपनी भी पूजा करने के लिए मना करते हैं कि मेरी भी पूजा मत करो, और तुम अपने छदमस्त गुरुओं के मंदिर बनाकर बैठते हो, समाधियां बना रखी हैं, सब नहीं। और ये श्रमण संघ वाले साधु साधुओं को ज्यादा बीमारी है, हमें भी है, हमारे गुरुओं की भी बनी हुई है, जैसे बस दुनिया में इन्हीं के गुरु गुरु हैं, औरों के तो गुरु हैं ही नहीं। फिर मनाओ बनाओ बढ़िया बढ़िया मंदिर, बढ़िया बढ़िया फिर समाधियां, फिर समाधियों में कोई आता नहीं है, वो जो गिने चुने लोग होते हैं वो भी दो चार दिन जाएंगे, फिर कौन किसको वक्त होता है। हाँ कभी साल भर में घूमते घामते चले जाओ तो चलो गुरु पर भी उपकार कर लेते हैं, गुरु समाधि पर चलो दर्शन करके आ जाते हैं। ये सब जितना भी गुरुड़म तुमने फैला रखा है समाज में, ये केवल और केवल क्या है, गुरु मूढ़ता है। और इस गुरु मूढ़ता से मुक्ति आवश्यक है, तभी मुक्ति के मार्ग पर चल पाओगे। ये गुरुओं के नाम की सांकले बेड़ियां जो तुमने अपने पांव में बांध रखी हैं, हैं? कितना प्रवचन सुनाते हो, जोर जोर से जोरदार प्रवचन चलता है ना साधु साध्वियों का, अरे भगवान गौतम स्वामी ने तो तब तक केवल ज्ञान नहीं पाया जब तक भगवान महावीर का मोह नहीं छोड़ा, और खुद अपने ही गुरुओं के मंत्र जपवाते हैं, मंत्र उठवाते हैं, समाधियां बनवाते हैं, तब इन्हें अपना राग भाव दिखाई नहीं देता, तब इनको कहते गुरु भक्ति है, जरा भी इनका माथा झुकता नहीं है, इतना थोड़ा सा भी, कि कहां परमात्मा स्वयं जो सिद्ध जीव है, ऐसे सिद्ध आत्मा के लिए हम कहते हैं कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ थोड़ा सा राग रखने की वजह से, और कहां हम इतने राग भाव में बहते चले जाते कि मंदिर पर मंदिर खड़े करो, समाधियां बनवाओ, नाम छपवाओ, ग्रंथ छपवाओ मोटे मोटे, क्या मिलेगा इन सारी चीजों से, लगे रहते हैं ग्रंथ छपवाओ फिर, और वो ग्रंथ पढ़ता कौन है मतलब। मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, साधु साधी में छपवा देते हैं, अब वो छपते हैं लगभग 2,000-3,000 कॉपी, अब 2,000-3,000 कॉपी कौन पढ़ेगा, तो पढ़े रहते हैं लोग, ले जाए गुरु आते हैं भैया तुम हमारे गुरु के भगत हो, वो ले जाता है शर्मा शर्मी ले जाएगा, दो चार पेज पढ़ेगा उसके बाद जाकर रख देगा लाइब्रेरी में, लो जी अब उसका क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, बस धूल खाएगी किताब। पर फिर भी बेतहाशा बेलगाम किताबें छपवा रहे हैं, बेतहाशा गुरुओं के नाम पर ये समाधियां और ये और आना फलाना, पता नहीं कहां से कौन सी बीमारियां हमने पकड़ ली हैं, ज्ञान से हमारा संबंध टूट गया, वीतरागता से हमारा संबंध टूट गया, अनासक्ति से हमारा संबंध टूट गया, कभी स्थानक वासियों ने विद्रोह किया था मंदिर मार्गियों से इस नाम पर कि हमें ये सब आडंबर नहीं चाहिए, न मंदिर का न मूर्ति का न किसी भी चीज का नहीं, और आज यदि स्थानक वासी देखे तो सर्वाधिक बुरी गत इसने अपनी करवा रखी है,
और ये ज्यादा श्रवण संगियों को ज्यादा बीमारी है। कारण क्या है? आपने वो सारे के सारे आडंबर पकड़ लिए हैं। भैया इससे बढ़िया इन सदमस्तों की पूजा करने से बढ़िया तो यही था कि तुम वीतराग की पूजा करते, तुम जिन भगवान के मंदिर में जाते वो ज्यादा बेहतर था। वो सिद्ध बुद्ध आत्माओं की पूजा करने से तुम्हारा कुछ उद्धार तो होता, कुछ ज्ञान तो मिलता, कुछ तो सही होता। पर तुम्हें छदमस्तों का राग इतना है कि तुम उनकी पूजा कर लोगे, पर हां यदि कोई जिन मंदिर में चला जाए तो तुम्हें वो सहन नहीं होगा। अरे स्थानकवासी होकर मंदिर में जाता है, ये स्थानकवासी गुरुओं को पसंद नहीं है। हां अपने गुरुओं का मंदिर समाधियां बनाकर फोटोएं बनाकर उनके फोटोएं बांटेंगे, मंदिर उनके स्थान क्या बोलते हैं वो मंदिर ही कह लो, समाधियां बनवाएंगे, वो ठीक है वो चलेगा, वो इन्हें इसमें राजी है। इसमें राजी नहीं है कि कोई जिन भगवान का मंदिर बना हो तो मंदिर में चला जाए, वो राजी नहीं है। कौन से दिशा में चले गए? जाना था भैया पूरब में और जा रहे हो पश्चिम में। कब त्याग करोगे गुरु मूढ़ता का? और गुरु मूढ़ता का त्याग करने का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ इतना सा होता है कि अब तुम्हें गुरु के किसी भी निशाने से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें केवल गुरु के ज्ञान से मतलब है। क्या कारण था कि कोई व्यक्ति इतना महान हो गया कि तुम उसके प्रति प्रेम से भर गए? तुम्हारा प्रेम केवल इसलिए हुए इसलिए है क्या? क्योंकि तुम्हें आशा है क्योंकि इनके मंदिर में इनकी समाधि पर जाएंगे तो भैया चमत्कार हो जाएगा, दुकान चल जाएगी, रोग हट जाएगा, कोई अंतराय जीवन में आ रही है तो अंतराय हट जाएगी, विघ्न बाधाएं संकट उपसर्ग दूर हो जाएंगे। यदि इस आशा से जा रहे हो तो भूल जाओ, कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो तुम्हारे संकटों से तुम्हें उपार दे, तुम्हें पार कर दे, कोई भी ताकत नहीं है। कोई गुरु नहीं है जो तुम्हारा उद्धार कर सके, जो तुम्हारा कल्याण कर सके। हाँ तुम्हारा यदि ध्येय गुरु का ज्ञान है तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा ध्येय गुरु का चमत्कार है तो तुम और डूब जाओगे, गुरु का नाम लेते लेते डूबोगे, तुम तो डूबोगे वो उस गुरु को भी डुबाओगे साथ में, ये याद रखना। तो अपने जीवन में ये जो मूढ़ता है ना, अमूढ़ दृष्टिवान होने का मतलब है पहले देव मूढ़ता का त्याग कर दिया कि उसमें हम देवता केवल उसी को मानते हैं जो राग और द्वेष रहित हो गया, अपनी विशुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया है। अब उसमें किसी भी प्रकार के मैल की संभावना नहीं हो सकती, ब्रह्म बोध उसका परिपूर्ण हो गया, बस हो गई घटित बात पूरी हो गई। दूसरे स्तर पर कौन है? दूसरे स्तर पर वो लोग हैं जिन्हें आत्मबोध तो है परंतु उसमें निरंतरता नहीं है या उसमें परिपूर्णता नहीं है, कोई ना कोई विक्षेप है, किसी न किसी प्रकार का कोई मल है, उस मैल की शुद्धि के लिए सतत लगातार लगा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है, श्रम कर रहा है। वो श्रम जो है वो श्रमण हमारा गुरु है और वो कोई भी हो सकता है। सत्य के लिए श्रम करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा क्या हो सकता है? गुरु हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर बढ़ गया है, हम अभी नहीं बढ़े, अभी अंधे हैं। उसको मार्ग तो मिल गया पर अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा, चल पड़ा है रास्ते पर। हमारा क्या है? हम तो भटक रहे हैं, तो हम उसको संगी बनाए, उसको अपना नेता बनाए जिसको रास्ते का पता चल गया कि अब इस रास्ते पर बढ़ेगा, तो उसका साथ पकड़ लेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे तो भैया हम भी क्या हो जाएंगे, उसके साथ साथ पहुंच जाएंगे उसके लक्ष्य तक। पर तुम क्या करते हो? तुम गुरु के ज्ञान से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, गुरु के उस श्रद्धा से, उस आत्म प्रतीति से, आत्मबोध से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा संबंध गुरु से केवल इतना है, केवल इतना है क्योंकि इनकी वजह से मेरा ऐसा काम हो गया तो इसलिए ये मेरे गुरु हैं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु के ज्ञान से संबंध हो तो समझो कि अब गुरु मूढ़ता समाप्त हुई। और किसी भी तरीके से जिसे ज्ञान से संबंध नहीं, जिसे गुरु के आत्मबोध से संबंध नहीं, जिसको गुरु के सत्य प्रतीति से संबंध नहीं, यदि आप सत्य के अलावा गुरु के किसी भी अन्य चीज से संबंध बनाते हैं तो निश्चित मानो कि आप गुरु मूढ़ता को बढ़ाते हैं, फिर चाहे आपका गुरु कितना ही महान क्यों ना हो। मूढ़ता का तात्पर्य सिर्फ आपसे है और अमूढ़ता का तात्पर्य भी आपसे है। आप इस खेल को चाहो तो बना दो और चाहो तो बिगाड़ दो।
ज्ञान से संबंध है, वीतरागता से संबंध है, सत्य से संबंध है आपका गुरु के माध्यम से, तो हां ठीक है, फिर आप मूढ़ नहीं है, आप अमूढ़ दृष्टिवान है। पर यदि ज्ञान के अलावा, सत्य के अलावा कुछ भी आपकी दृष्टि में है, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा हो गया, कौन कर सकता है? इस निमित्त और उपादान के खेल को समझ के बगैर समझे, है ना, निमित्त उपादान के खेल को, भगवान का प्रवचन सारा निमित्त उपादान का ही तो है। इस निमित्त और उपादान के खेल को समझे बगैर तुम बस अंधे होकर भागते चले जाते हो, दौड़ते चले जाते हो। इस दौड़ का लक्ष्य क्या है कुछ पता नहीं, इस भागने का केंद्र क्या है कुछ पता नहीं, बस भाग रहे गुरुओं के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, बना रहे मंदिर, बनाओ, खुद तो तुम डूब रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी डुबाने का एक साधन बना रहे हो कि हां आओ हम तो डूबे ही हैं, तुम भी आओ और तुम भी बनाना, तुम भी करना और तुम भी डूबना। और ये परंपरा खत्म नहीं होगी, तब तक तो खत्म नहीं होगी जब तक तुम्हारा वो स्थान नष्ट नहीं हो जाएगा, और उसने होना है, तब तक उसका सारा भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। ये जितने मूढ़ताओं की दुकानें खोलते हो, इन दुकानों को खोलने का सारा दारोमदार तुम्हारा होगा, इसलिए भुगतान भी तुम्हें ही करना होगा। मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम इतने सारी चीजें दुनिया में छोड़कर अपने पीछे चले जाते हैं कि लोग उलझते चले जाते हैं उनमें। जितने उलझेंगे उन सबका आपको दलाली मिलती रहती है, और जब तक ये दलाली चलेगी तब तक मुक्ति ना होगी। तो अपने जीवन में एक चीज को स्पष्ट करके चलो कि हमें देवता भी वही जो वीतराग हो गया, और गुरु वही जो वीतरागता के रास्ते पर चल गया, इसके अलावा कोई देवता नहीं और कोई गुरु नहीं। और यदि कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है, आपको नहीं पता है कि कौन गुरु है और कौन देवता है, पर आपका दृष्टिकोण तो साफ होना चाहिए ना, क्योंकि दृष्टि का संबंध किसी बाहर से नहीं है, महावीर से, गौतम से, या हमारे किसी गुरु विशेष से नहीं है, इसका संबंध हमारी आंखों से है। आप क्या देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, वो स्पष्ट हो, वो स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आपकी दृष्टि निर्मल है तो आप सत्य को ही चाहेंगे, तो दृष्टि को निर्मल करने का प्रयास करें, अपनी दृष्टि को साफ करने की कोशिश करें, और देखें कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। अपनी वृत्तियों का शोध करो कि आपकी वृत्तियों में बहता क्या है, क्यों? क्योंकि यदि संसार बहेगा तो संसारी गुरु मिलेगा, और यदि सत्य की आकांक्षा होगी चित्त की धाराओं में, तो वही आपका गुरु बनकर सामने आएगा जो सत्य का उपासक होगा। तुम्हें संसार चाहिए तो संसारी गुरु मिलेंगे, और इसीलिए सारे गुरु संसारी होकर बैठे हुए हैं, सारे के सारे। उनका भी बस यही ध्येय है, किस तरीके से अपना संप्रदाय बढ़ाओ, किस तरीके से चेले चेली पैदा करो, किस तरीके से बस भक्तों की फौज खड़ी कर दो। उनका भी सारा जीवन यही जाता है, इसी में ही जाता है। उनकी दृष्टि भी सत्य के लिए नहीं होती। हाँ थोड़ा बहुत जाप करवा लेंगे, थोड़ा बहुत ग्रहों की शांति करवा लेंगे, और हाँ बस ये दुकानें खूब चलती हैं तुम्हारी। कोई जन्मपत्री लेकर बैठ जाता है, कोई जाप लेकर बैठ जाता है, कोई ग्रह शांत करवा रहा है तुम्हारे, बस आत्मा की शांति कोई नहीं करवाता, वो किसी को चाहिए भी नहीं। हाँ घर में शांति हो जाए, नाते रिश्तेदार निब जाए, वो बस काफी है आपके लिए। आत्मा की चिंता किसको है? कौन थोड़ा सा भी सोचता है कि भैया हाँ मुझे कि आत्मा की तरफ सत्य की फिक्र किसको है? किसी को भी नहीं। जब किसी को नहीं है, इसलिए गुरु ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है, कोई कहने वाला, कोई बताने वाला कि आजा ये सत्य का मार्ग है, कोई नहीं मिलता। फिर वो भी तुम्हें बस वही दुनियादारी की बातें बताते हैं। पता है आते हो गुरु के पास, गुरु जी बड़ी परेशानी, बड़ी प्रॉब्लम, क्या हो गया जी? दुकान नहीं चलती। अच्छा अच्छा चला ठीक, ये मंत्र ले ले और तेरा काम बन जाएगा। जप लेना, ऐसे जपना, इस ढंग से जपना, इतनी मालाएं जपना, इतने दिन तक जपना, और फिर तुम उसी में उलझे रहते हो, तुम्हारा काम भी हो जाता है, और हो गया बस गुरु का लट्टू, गुरु जी ने बताया था और हो गया मेरा काम। तत्व ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है, और आत्मा के अलावा और कोई तत्व नहीं है। यदि आपकी ये दृष्टि साफ नहीं है तो आप अमूढ़ दृष्टिवान नहीं बल्कि मूढ़ दृष्टि हैं, और मूढ़ दृष्टि वाले के लिए
फिर गुरु भी और देवता भी डूबने का कारण बन जाते हैं। इसलिए कहा कि अमूढ़ दृष्टिवान होना। और तीसरी मूढ़ता क्या है? धर्म की मूढ़ता। हम धर्म किसको मानते हैं? बस मुंह पट्टी पहन लो, मंदिर में चले जाओ, थोड़ी सी किताबें याद कर लो, 25 बोल का थोकड़ा और वो तुम्हारा क्या नाम है, नव तत्व के बोल, और बस ये याद कर लो, थोकड़े रट लो, 2-4 प्रार्थनाएं कर लो, भक्तामर पढ़ लो, नमोथोनम इस तरीके से पढ़ लेना, लोग उसकी माला फेर लेना, थोड़े से बस तपस्या हो सके तो अनशन उपवास आदि कर लेना, थोड़ा सा भोजन में ये वाली सब्जी छोड़ देना, ये वाला फ्रूट छोड़ देना, आलू मत खाना, प्याज का सेवन मत करना, हाँ दवा दारू मत करना भैया, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए धर्म है। ये धर्म मूढ़ता है। धर्म मूढ़ता का मतलब है कि जो धर्म नहीं है उसे धर्म समझ लेना, और क्रिया धर्म नहीं है। ये भी नहीं है कि भैया ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है, ये मत समझ लेना कि इन सारी चीजों का निषेध है। क्रिया का निषेध नहीं है, परंतु आपको पहले भी बताया जा चुका है 2 गाथाओं में कि पहले सम्यक दर्शन आता है, फिर ज्ञान आता है, और तीसरे चरण पर आता है चरण आचरण चरित्र, जिसको हम क्रिया कहते हैं, उसका नंबर तीसरे पर है। पर आप क्या करते हो, सबसे पहले बिठाते हो क्रिया को, फिर दूसरे नंबर पर कहीं ज्ञान का नंबर आता है, और दर्शन की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, दृष्टि की तरफ किसी का गौर नहीं है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उलझन की बात है। फिर हम क्या समझते हैं कि इस तरीके से होगा तो धर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर सामायिक की भी विधियां बनाई जाती हैं। सामायिक की कौन सी विधि हो सकती है? आत्मा की कौन सी विधि होती भैया? सामायिक मतलब आत्मा, और आत्मा की विधि बनाकर बैठे हो, इतना इतनी बार नौकार पढ़ना, ऐसा करेमी भंते पढ़ना, ऐसा इच्छा कारण तसूत्री लोगस नमोथुणम, और बस इस तरीके से बैठ जाओ, या ये भक्तामर पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, हो गई सामायिक। ये विधि सामायिक की है, इसे तुम धर्म समझते हो। और वितराग कहते हैं कि नहीं, ये धर्म नहीं है, ये केवल तुम्हारा व्यवहार है। धर्म क्या है? धर्म है 2 चीजें परिपूर्ण हो, और तीसरे चरण पर यदि आप कोई चीज पूरे ढंग से कर लेते हैं, पहला चरण है दर्शन का, यदि दर्शन साफ है तो दूसरे चरण पर ज्ञान अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ज्ञान भी अपने आप ही स्वयमेव शुद्ध हो जाता है, उसकी शुद्धता की जरूरत नहीं रहती। जैसे ही दर्शन शुद्ध होता है, ज्ञान जो तुम जान रहे हो वो भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। दर्शन की शुद्धता के साथ ज्ञान शुद्ध, जब दर्शन और ज्ञान शुद्ध हो जाते हैं तब तुम्हारी जो चर्या होती है, तब तुम जो करते हो वो सब कुछ धर्म होता है। फिर तुम्हें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा करेंगे तो ही धर्म होगा। पर पहले आप अपनी दृष्टि को तो साफ करो, दृष्टि की सफाई पर ध्यान नहीं होते, बस कर्म में लगे पड़े रहो। कर्म को सुधारते हो आप, कर्म को नहीं सुधारना है, केंद्र को सुधारना है, और केंद्र में आप हो। आप यदि गलत हैं तो सब गलत होता चला जाता है, आप सही हो तो सब सही होता चला जाता है। आपका गलत होने का मतलब है मिथ्यात्वी होना, आपका सही होने का मतलब है सम्यक्त्वी होना। सम्यक्त्वी आत्मा जो करेगा वो सही करेगा, कई बार तुम्हें गलत भी लगेगा तो भी सही होगा, अब वो उलझेगा नहीं, वो ज्यादा देर तक संसार में रहेगा नहीं। हो सकता है कि उससे बड़े से भी बड़ा अपराध हो जाए, चाहे कितना भी अपराध हो जाए, महावीर की तरह हो सकता है कि 6-7 नरक तक की भी यात्रा कर ले, कोई बात नहीं, पर आएगा, वापस आएगा, कोई ना कोई निमित्त पाएगा, या बगैर निमित्त के भी अपनी ही उपादान से बोध पाएगा, और शीघ्र जल्दी से जल्दी संसार से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। दृष्टिवान कहीं भी रहेगा, कहीं भी उसकी दृष्टि क्या रहेगी, केवल और केवल आत्मा की तरफ रहेगी। थोड़ा भूल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हो सकता उसके साथ, कुछ गलत भी कर लेगा, किया ना, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में किया, मरीचि के भव में किया, 1-2 भवों में और भी किया, पशु पक्षी तो पता नहीं कितनी बार वो बने, कीट पतंग की योनि में भी गए, पता नहीं कितनी बार उन्होंने अपनी दुर्गति करवाई, भगवान ऋषभदेव के शासन काल में हुए मरीचि के रूप में, और फिर भगवान महावीर के रूप में 24वें तीर्थंकर बने। इस पूरी की पूरी यात्रा में आप देखो, बहुत बार वो नरक में गए हैं,
बहुत बार देवलोक में भी गए, मनुष्य बहुत बार बने, बहुत बार पशु बने, पक्षी बने, कीट बने, पतंगे बने। एक जगह पढ़ रहा था मैं, तो उसमें तो पता नहीं कितने सारे पूरी गिनती है कि इतनी बार वो इन सारी की सारी योनियों में गए हैं और इन योनियों से आने के बाद वो भगवान महावीर बने। पर एक बात साफ हो गई थी, वो हुई थी नए सार के भव में, वो ये कि इस जीव ने अब संकित प्राप्त कर ली है तो चाहे ये जाए कहीं भी, पर वापस भटक के वापस फिर से रास्ते पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार जिसको रास्ते की खबर लग गई, वो यदि रास्ते से गलत पर भी चला जाए तो भी वापस खोजता खोजता वापस रास्ते पर आ ही जाएगा। पर जिसकी इच्छा में, जिसकी कामनाओं में, जिसकी वृत्तियों में सत्य की, मार्ग की इच्छा ही नहीं है, वृत्ति ही नहीं है, कामना ही नहीं है, उसको कभी मार्ग नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा। धर्म चाहते हो तो धर्म की इच्छा करो, सत्य की कामना करो कि क्या है सत्य। सालों साल सामायिक करते हुए हो जाते हैं, एक भी सामायिक में कभी आपने कहा कि सच में सामायिक घटे, कभी। तो तीव्रता से कामना कीजिए कि सामायिक जिसके लिए करते हैं वो घटे, जीवन में घटना चाहिए। यदि आप 48 मिनट के सामायिक करते हैं तो उसमें से 5 से लेकर 7 मिनट तक तो केवल आपके आत्मा को सलाह देने वाले, मतलब जिसमें आप अपने आप को प्रार्थित करते हैं, अपने आप को प्रार्थना के भावों से भरते हैं, और ये होता है कि मुझे ये सामायिक का भाव घटे, मुझे घटना चाहिए। जो सामायिक का मूल्य है, जो सामायिक की महत्ता है, जो सामायिक का भाव है, वो मेरे जीवन में प्रकट होना चाहिए। ये बिल्कुल जब तक आपको पक्का ना हो तब तक सामायिक बस ठीक है, आसन पट्टी बिछाकर बैठ जाओ, 2-4 स्तोत्र पढ़ लो, 2-4 माला फिर लो, हो गए सामायिक आपके। सालों साल बीत जाते हैं, बस 2-4 मंत्र आपको जरूर रट जाते हैं, पर इसके अलावा सामायिक और सामायिक का भाव जीवन में नहीं आता। कारण ये है कि सामायिक किसी को चाहिए ही नहीं, समता भाव नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। सत्य के अलावा आपकी इच्छाओं में, वृत्तियों में सब कुछ होता है। और याद रखना, जिसे जो सत्य के पास तो बैठा है, सत्य में ही बैठा है, पर गजब यह है कि सत्य को नहीं चाह रहा, वो कुछ और मांग रहा है, कुछ और इच्छाएं कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि भैया तुम बैठे तो वही हो, तुम हो तो उसी में ही, उसमें नहीं हो बल्कि तुम वही हो, पर तुम उस वही के उसी को नहीं चाहते, तुम कुछ और चाहते हो, तो तुम्हारी और इच्छाएं पूरी होती हैं, वो पूरा नहीं होता जो तुम हो। तुम्हारा होना पूरा हो जाए यदि तुम सब कुछ छोड़ के उसको चाहने लग जाओ। 33 बोल का थोकड़ा आता है ना, एक 33 ही आता है। हाँ, इस पर एक बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी है आचार्य उमेश मुनि जी ने, उन्होंने इस पर लिखा हुआ है। भैया आचार्य बोल गए, कुछ लोग गणाधिपति बोलते हैं, जो जिसे समझना हो समझ लेना। पर उन्होंने एक किताब लिखी इस पे, 33 वचन हैं, 33 चीजें हैं। इनको कहा कि इन 33 बातों को जो पूरा करता है या इन 33 बातों पर आचरण करता है, वो जल्दी जल्दी मोक्ष में जाता है, वेगा वेगा मोक्ष में जावे, ऐसा एक बोल आता है कि 33 बोल हैं, ये 33 बातें हैं। यदि इन 33 बातों में से कोई एक को, दो को, तीन को या 33 को पूरा करता है तो वो जीव जल्दी जल्दी मोक्ष में जाता है। जैसे एक आदमी पैदल जाए, दूसरा साइकिल पर जाए, तीसरा मोटरसाइकिल पर जाए, चौथा और कोई तीव्र वाहन ले ले तो वो और जल्दी, यदि कोई 5वां आए और वो हवाई जहाज में बैठकर निकल जाए तो वो और जल्दी पहुंच जाता है। तो कहा करे जो इन बोलों को पूरा करता है वो जल्दी जल्दी मोक्ष में जाता है। और कब? जब मुक्ति की इच्छा हो। तो जब आप गुरु से भी, देवता से भी और धर्म से भी, इन तीनों से आप केवल और केवल मुक्ति की कामना करते हैं, ज्ञान की कामना करते हैं। वीतराग देवता से क्या चाहिए? केवल वीतरागता चाहिए, मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरु से क्या चाहिए? केवल मुक्ति का मार्ग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धर्म से क्या चाहिए? धर्म से भी केवल आत्मा का सुधार चाहिए, आत्मा का शोधन चाहिए, आत्मा की शुद्धता चाहिए, जीवन की पवित्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपके जीवन में ये 3 चीजें साफ हैं, 3 चीजें शुद्ध हैं, तो आपका देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता, ये तीनों नष्ट होकर आप अमूढ़ दृष्टि हो जाते हैं। इस अमूढ़ दृष्टिवान होने को
अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं कि जीवन में कुछ और, संसार अपने ढंग से पूरा होगा, सारे व्यापार काम धंधे जैसा आपका कर्म होगा वैसे पूरा होता चला जाएगा, पर आप इस चीज को अपने मन में जमा कर बैठें, इसको अपने जीवन में दृढ़ता से धारण करके बैठें कि चाहे गुरु हो, चाहे देव हो और चाहे धर्म हो, इन तीनों का मामला तो साफ रहेगा, और साफ ये कि इनसे आत्मा के केंद्र के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यदि इतना साफ है कि सत्य के सिवा कुछ नहीं चाहिए, न देव से, न गुरु से, न धर्म से, तो फिर कहा कि जल्दी जल्दी मोक्ष में हो जाता है, मुक्ति का मार्ग पूरी तरीके से प्रशस्त हो जाता है। तो मैं तो आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए मुक्ति के इस मार्ग की प्रशस्तता के लिए, अमोढ़ दृष्टि होने के लिए प्रार्थना करता हुआ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।